देखिए ये है हमारी जन्नत। तो आप देख सकते हैं ये हमने हैंगिंग्स में सारे पिटूनिया फ्लावर्स लगा रखे हैं। आप देख सकते हैं कितने सारे कलर्स हैं, पर्पल, पिंक, वाइट। तो ये हमारे सारे के सारे बॉन्साई, मैंने एक सेक्शन बनाया हुआ है पूरा। ये देखिए मेरे पास टोटल 25 से 30 बॉन्साई हैं जो मैंने खुद बनाए हैं। क्योंकि अभी डोरमेंसी का टाइम है और इसकी वजह से रोजेस के हमने हार्ट प्रूनिंग कर रखी है। बाकी आप डहलिया को देख सकते हैं वो कितनी अच्छी फ्लावरिंग कर रहा है। हमारे पास वाइट एंड रेड दोनों कलर के डहलिया है। ये सामने पूरा जन्नत के नीचे का सेक्शन पूरा ये मोर बने हुए हैं और ये एक मंदिर है, माता जी का मंदिर। यहाँ हमने दो लड़कियां भी बनाई हुई हैं। तो ये है हमारा मैरीगोल्ड का सेक्शन जिसमें हमने सारे सीड से ग्रो कर रखे प्लांट्स लगा रखे हैं। ये हमारी वर्कशॉप कह सकते हैं आप इसे, इन्हीं से हम लोग बॉन्साई बनाते हैं। पहला पौधा हमारा कम से कम 25 साल पुराना पौधा है। शुरू में ये रेड होता है और टाइम के साथ, एजिंग के साथ इसकी ये रेड लीव्स ग्रीन होने लग जाती है। तो ये रेड और ग्रीन का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? तो लास्ट व्लॉग में मैंने और मामा ने आपको दिखाया था हमारे फर्स्ट फ्लोर गार्डन के बारे में कि हमने क्या क्या चीजें कहाँ कहाँ प्लेस कर रखे हैं। आज के व्लॉग बहुत स्पेशल है। आज के व्लॉग में हम आपको बताएंगे हमारे सेकंड फ्लोर गार्डन के बारे में कि हमने वो क्यों बनाया और हमने कहाँ पे कौन कौन से प्लांट्स प्लेस कर रखे हैं। तो आखिरी तक जुड़े रहे और अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर ले एंड पूरी वीडियो जरूर देखें। हेलो एवरीवन, तो अभी हम आपको ऊपर लेकर जा रहे हैं और हम ये बताने वाले हैं कि इसकी क्यों जरूरत पड़ी। उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, आप इधर ऊपर देखिए ये आयरन रोड लगी हुई है। तो पहले हमारा सिर्फ नीचे वाला था जो हम पिछली बार दिखा चुके हैं। तो ये आयरन रोड लगी हुई है, 4x4 के 8 पिलर लगे हुए हैं, बाकी 2x2 के फ्रेमिंग करके हमने जाली लगाया हुआ है और जाली के ऊपर हमारी पॉलीकार्बोनेट शीट है। तो चले अभी हम आपको लेकर चलते हैं सेकंड फ्लोर पर। देखिए ये है हमारी जन्नत। तो फ्रेंड्स आपने देखा कितना खूबसूरत है, अभी आप देखिए कितना खूबसूरत हमने बनाया है। इसे हमारी जन्नत कहते हैं, हमने इसको नाम जन्नत दिया हुआ है। और अब जरूरत कैसे पड़ गई हमें बनाने की, क्योंकि जो पौधे के शौकीन होते हैं वो एक जुनून होता है उनके अंदर, उनके लिए जगह हमेशा कम पड़ जाती है। तो मुझे भी जगह कम पड़ गई, मुझे अपनी बहुत सारी टोपियारी बनानी थी, बहुत सारे दिल बनाने थे। तो जब जगह कम पड़ गई तो मैंने ये यहाँ पर जितने भी प्लांट्स रखे हैं वो सारे के सारे ज्यादातर धूप वाले प्लांट हैं। और नीचे जितने भी प्लांट्स हमने रखे हुए हैं जो हमने आपको लास्ट एपिसोड में दिखाया था। तो चलते हैं हम अपने गार्डन के टूर पे। तो उससे पहले आप ये देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे परगोला भी बना रखा है जहाँ पे हम शाम को सुबह में चाय पीते हैं साथ में। तो मम्मा और मैं चलते हैं आपको गार्डन का टूर करवाने के लिए। तो बॉन्साई एंड टोपियारी सेक्शन मेरी मम्मा बताएंगी आपको एंड फ्लावर एंड ऑर्नामेंटल सेक्शन मैं बताने वाली हूँ। तो चलो शुरू करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, फ्लावर एंड ऑर्नामेंटल। तो आप देख सकते हैं ये हमने हैंगिंग्स में सारे पिटूनिया फ्लावर्स लगा रखे हैं। आप देख सकते हैं कितने सारे कलर्स हैं, पर्पल, पिंक, वाइट। तो हमने जन्नत के नीचे भी पूरा पिटूनिया का सेक्शन बना रखा है ताकि उसकी वाइब जो है वो कलरफुल लगे। उसके बाद हमने यहाँ रेलिंग पे भी सारे पिटूनिया फ्लावर्स लगा रखे हैं। इसमें कई सारों में बड्स आ रहे हैं और कई सारे फ्लावरिंग कर रहे हैं। हमारा क्लेंचू का जो यहाँ पे सब में बड्स आ रखे हैं और यहाँ पे धीरे धीरे सब में फ्लावरिंग होगी और जब फ्लावरिंग होगी तब हम आपको पक्का दिखाएंगे वो कितना प्यारा लग रहा है। तो आप देख सकते हैं इस सेक्शन में हमने सारे गुलदावरी, रोज और डहलिया के पौधे लगा रखे हैं। क्योंकि अभी डोरमेंसी का टाइम है और इसकी वजह से रोजेस के हमने हार्ट प्रूनिंग कर रखी है। बाकी आप डहलिया को देख सकते हैं वो कितनी अच्छी फ्लावरिंग कर रहा है। हमारे पास वाइट एंड रेड दोनों कलर के डहलिया है। और ये है हमारा गुलदावरी का, पर्पल गुलदावरी, एंड इसकी भी बहुत प्यारी प्यारी फ्लावरिंग्स होती है। अगर आपके घर में नहीं है तो आप ज़रूर लेके आएँ। और ये भी हमारा वाइट गुलदावरी है, इसकी भी हमने हार्ट प्रूनिंग कर रखी है इस टाइम पे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे नए नए ब्रांचेज आ रखे हैं इसके। तो ये है हमारा मैरीगोल्ड का सेक्शन जिसमें हमने सारे सीड से ग्रो कर रखे प्लांट्स लगा रखे हैं। तो इन सर्दियों में आप ज़रूर अपने घर पे भी
मैरीगोल्ड लेके आए क्योंकि ये पूजा में भी काम आते हैं और वैसे भी मेडिकली भी इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। तो मैं आपको बताने वाली हूँ ट्रोपियारी बॉन्साई के बारे में, जिसमें मैंने सारा जेट का इस्तेमाल किया हुआ है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये हमारे सारे के सारे बॉन्साई मैंने एक सेक्शन बनाया हुआ है पूरा। ये देखिए मेरे पास टोटल 25 से 30 बॉन्साई हैं जो मैंने खुद बनाए हैं। हालांकि मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट मैंने कोशिश किया और ये तो हमने रोड साइड से, हमने कई बार आपको बताया है रोड साइड वाला है। एंड इसके अलावा अगर आप सेकंड सेक्शन देखेंगे तो उसमें सारे दिल बना रखे हैं और आर्क बनाए हुए हैं। ये देखिए ये पूरे के पूरे, और इसके अलावा अलग अलग तरह के दिल हैं। कोई दिल माँ के हाथों में है, कोई बच्चे के साथ है, कोई लव बर्ड्स के उसमें है। तो बहुत प्यारे प्यारे हमने दिल बनाए हुए हैं। अगर आप देखेंगे तो ये फाइकस के बॉन्साई हैं 4। एंड इसके अलावा हमने 2 सांप बनाए हुए हैं। ये आर्क है हमारे पास, तो ये हमने 2 कछुए बनाए हुए हैं। एक देखिए बिच्छू बना हुआ है। एंड इसके अलावा फिर हमने दिल बनाया हुआ है और यहाँ पर हमने एक चरखा भी बनाया हुआ है। हमने हमारा आप देखेंगे ये हमने दिल बनाए हुए हैं, ये बड़े बड़े दिल हैं। और इसके अलावा मेरे पास यहाँ पर टोटल 20 से 25 मोर बने हुए हैं। ये सामने पूरा जन्नत के नीचे का सेक्शन पूरा ये मोर बने हुए हैं, अलग अलग तरह के मोर हैं। इसके अलावा यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये भी मोर हैं हमारे पास अलग अलग तरह के। तो ये काफ़ी पुराने हमारे बने हुए हैं मोर हैं, ये देखिए। तो यहाँ हमने देखिए एक झूला बनाया हुआ है, जैसा झूला हमें मिलता है वैसा बिल्कुल बनाया हुआ है। ये हमने कृष्णा जी का झूला बनाया था। ये हमने एक हट बनाई हुई है अपने लिए, और ये एक मंदिर है माता जी का मंदिर। यहाँ हमने 2 लड़कियाँ भी बनाई हुई हैं, एक ये और एक ये, दो फ्रेंड्स हैं। और इसके अलावा ये हमारे बॉन्साई हैं, बोगनविलिया के बॉन्साई हैं, और 3 हम लोगों ने ऊँट बनाए हुए हैं जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और हमने ये सारा जेट का सेक्शन है, ये हमारी वर्कशॉप कह सकते हैं आप इसे, इन्हीं से हम लोग बॉन्साई बनाते हैं। तो ये सारी की सारी टोकरियां हैं, और ऊपर भी अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे बुल, बियर, स्टार और इसमें ओम, इसके अलावा बहुत सारे हम लोगों ने टोपियारिस बनाए हुए हैं। तो ये हमारे पास ऑर्नामेंटल में नागचंपा का पौधा है जो हमारे पास 3 से 4 हैं, बट अभी डॉर्मेंसी है तो इसमें फ्लावरिंग नहीं हो रही। नेक्स्ट हमारे पास है ये पाम का पौधा, उसके बाद ये एक वैरायटी ऑफ सागो पाम है जिसमें बहुत मतलब कि कांटे जैसे लीव्स निकलती हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये भी बहुत बढ़िया लगता है एज अ ऑर्नामेंटल। हमारा ये वाला पौधा हमारा कम से कम 25 साल पुराना पौधा है, देखिए कितना ब्यूटीफुल पौधा है। तो हमने ये फ्लावर सेक्शन में एक चाइनीज लेमन का प्लांट रख रखा है, तो आप देख सकते हैं इसमें फ्रूटिंग हो रही है और काफी सारे येलो भी होने लगे हैं। उसके बाद हम आते हैं हमारे ये लेडी पाम का सेक्शन में, यहाँ पे हमने काफी सारे लेडी पाम के प्लांट्स रख रखे हैं। एंड उसके बाद ये है लिली पिली का प्लांट जो कि समर्स में बहुत अच्छे लीव्स इसके निकलते हैं। लाइक शुरू में ये रेड होता है और टाइम के साथ एजिंग के साथ इसकी ये रेड लीव्स ग्रीन होने लग जाती हैं। तो ये रेड और ग्रीन का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। तो मम्मा मैंने तो सारे ऑर्नामेंटल प्लांट बता दिए, आप बताओ। अरे तो आपने ये बताया हमने दोनों तरफ से क्या रखा हुआ है, ये देखिए इसको क्या कहते हैं, एरिका पाम रखा हुआ है। और इसके अलावा हमारे पीछे जहाँ हम बैठे हुए हैं, ये कौन से प्लांट से बताओ? स्नेक प्लांट। ये ज्योति को सब पता चल गया, प्लांट्स हमने लगा रखे हैं। ये बताया तुमने ये जो साइड में हैंगिंग ये वाले पर्पल हार्ट हैं। पर्पल हार्ट, ये सारे हैंगिंग। ये देखो ये मैं भी भूल गई, ये देखिए ये हमने शिप बना रखे हैं, 3 शिप भी हैं हमारे पास। तो आई होप आपको हमारी ये छोटी सी प्यारी सी जन्नत बहुत अच्छी लगी होगी। तो ऐसा है, किसी को लगता है कि हमारे पास जगह कम है, तो जगह कम नहीं होती है, आपके दिल में इच्छा होनी चाहिए। कितनी भी कम जगह क्यों ना हो, आप एक खूबसूरत सा गार्डन बनाएं, बस एक अपनी इच्छा रखिए। और अगर किसी को थोड़ी भी मुश्किल आ रही है तो हम हमेशा आपके लिए तैयार हैं, आपके यहाँ विजिट करेंगे और आपको बहुत अच्छे से सजेशंस भी देंगे कि किस तरह से आप अपना गार्डन बनाएं छोटी सी जगह में, और छोटी सी जन्नत आप जरूर बनाएं अपने बैक। तो अगर आपके यहाँ पे थोड़ी सी भी जगह कम है तो आप वर्टिकल गार्डन से भी अपनी गार्डनिंग की शुरुआत कर सकते हैं, कि काफी सारे प्लांट्स आते हैं लाइक जेड प्लांट, स्नेक प्लांट और स्पाइडर प्लांट, जो इजी टू ग्रो भी होते हैं और प्रोपोगेशन भी आराम से हो जाती है। तो
आपको अगर कोई क्वेरी है, सजेशन है, तो हमें जरूर कांटेक्ट करें। जैसा कि आप देख सकते हैं, जगह कम होने के बावजूद भी हमने देखिए हैंगिंग लगा दी है और हमने हवा में ही पौधों को रख दिया है, तो आप कैसे भी आप पौधों को रख सकते हैं। तो अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लें एंड आगे आने वाली वीडियोस के साथ जुड़े रहें। बाय बाय, टेक केयर, लव यू।